अस्सलाम वालेकुम वीवर, असास प्रोग्राम, असास कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम और दीगर तमाम सब्सिडी प्रोग्राम के हवाले से नई अपडेट और मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को हमारे चैनल पर फराम की जाती है। जैसे ही कोई नई अपडेट होती है, जैसे इक्यासी इकहत्तर पोर्टल और जाँच पड़ताल वाले, इसके अलावा नायल अफराद के लिए और इसके साथ 10,500 की किस्त के हवाले से नई अपडेट, जो कि नई किस्त जारी हुई है उसके हवाले से अपडेट करेंगे कि ये कौन लोगों को मिलेगी और कौन से लोगों को नहीं मिलेगी इसके हवाले से। और स्कोर जो कि इस वक्त बत्ती पर तमाम ख़ानदान आयल हो रहे हैं उसके हवाले से अपडेट करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अपने दोस्तों अजीज़ों को शेयर किया करें। तो सबसे पहले आपको ये खुशखबरी सुना दें कि आइंदा आने वाले वक्त में, जैसे 2025 शुरू होने लगा है, उससे पहले आप लोगों का स्कोर बढ़ाया जा रहा है, जिसको बढ़ाकर 32 से 34 करने के हवाले से कुछ अपडेट जारी की गई है डीजी अकबर की जानिब से कि अब इस स्कोर को काफ़ी चांस है कि 32 से बढ़ाकर 34 कर दिया जाए। अगर 34 स्कोर पर तमाम ख़ानदान जिनका स्कोर इस वक्त 32 है, अगर उनका 34 स्कोर पर ले जाते हैं तो काफ़ी ख़ानदान इसमें ऐल हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ख़ानदान ऐसे हैं जिनका स्कोर 32 इशारिया से ऊपर है, कुछ 32 इशारिया 20 40 से तकरीबन चल रहे हैं, तो किन का 33 स्कोर पर चल रहा है, तो उनको बहुत बड़ी अपडेट है कि उनके लिए खुशखबरी है कि अगर स्कोर बढ़ता है तो आप लोगों को प्रोग्राम में फौरन तौर पर 10,500 से बढ़ाकर जो 13,000 की किस्त की जाएगी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ऐसे तमाम ख़ानदान जिनको 10,500 की किस्त नहीं मिली तो वो इंतज़ार कर लें, क्योंकि अब आप लोगों को डबल किस्त 10,000 की बजाय 21,000 रुपये फराम किए जाएंगे डबल किस्त, क्योंकि काफ़ी बैंक इशू की वजह से आपको 10,500 रुपये नहीं मिल सके। इसके साथ आपको ये अपडेट कर दें कि अभी तक 81-71 पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया, पुराने स्टेटस पर काम कर रहा है, जिस पर आप लोगों की किस्त नहीं शो की जा रही, सिर्फ ये अपडेट जारी की जा रही है कि आप एल है या नहीं एल है। इसके साथ आपको ये अपडेट कर दें कि अगर आप 81-71 पोर्टल पर अपना स्टेटस जानेंगे डायनामिक सर्वे कराने के बाद, तो आपको सिस्टम ये ज़रूर बता देगा कि आप इस प्रोग्राम में डायनामिक सर्वे करा चुके हैं। इसके साथ ऐसे तमाम ख़ानदान जो अभी तक इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, तो वो अपना फौरन तौर पर डायनामिक सर्वे करा लें, ताकि आपको आइंदा आने वाले वक्त में फौरन तौर पर शामिल किया जाए। इसके साथ बच्चों के वजीफ़ों के हवाले से अपडेट कर दें और 10,500 की जो अगली किस्त जारी होनी है उसके हवाले से अपडेट कर दें कि 19 ज़िला में जो किस्त है वो जारी कर दी गई है, और इसके साथ बकाया ज़िला में काफ़ी चांस हैं कि इसी महीने के एंड पर जारी कर दी जाएगी 28-29 तिकर। और इसके साथ आपको ये भी अपडेट कर दें कि इस बार आप लोगों को बच्चों के जो वजीफ़े जारी किए जाएंगे उसके हवाले से ये अपडेट है कि ये डबल किस्त फराम की जाएगी, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया गया कि बच्चों के वजीफ़े इस किस्त के साथ जारी किए जाएंगे या इसके आगे जो किस्त जारी होनी है उसके साथ किए जाएंगे। तो जैसे कोई नई अपडेट होती है हम आपको इसी चैनल पर अपडेट करते हैं। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह।